पैडी पिमलेट 2021 से यूएफसी के साथ जुड़े हुए हैं और डेना वाइट की पूरी कोशिश है कि पैडी पिमलेट को कॉनर मैकग्रेगर जितना बड़ा स्टार बना दिया जाए। तो अब तक तो प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें ठीक चल रही है पैडी पिमलेट के लिए, लेकिन पैडी पिमलेट अब चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करना चाहते हैं। उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, उसके पीछे पूरा गेम है एक, जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पैडी पिमलेट ने यूएफसी 304 में बॉबी ग्रीन को हराया और वो टॉप 15 के अंदर एंट्री ले गए, लेकिन अब उनकी नजर टॉप 15 से सीधा टॉप 5 के अंदर एंट्री लेने की है। आज इस वीडियो में इसी को लेकर डिस्कशन करूंगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने कमेंट जरूर छोड़ना इस पूरी सिचुएशन को लेके। पैडी पिमलेट ने यूएफसी 304 में बॉबी ग्रीन को हरा के टॉप 15 के अंदर एंट्री ले ली और अब वो चाहते हैं चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट। क्यों? क्योंकि टॉप 5 के अंदर उन्हें एंट्री मिल जाएगी। वो नक्शे कदम पर चलना चाह रहे हैं डैन हुकर के। डैन हुकर के साथ क्या हुआ था? डैन हुकर ने हराया मैट्यूस गैमरोट को और मैट्यूस गैमरोट की जो रैंक 5 थी वो अपने नाम कर ली। ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं अब पैडी पिमलेट। पैडी पिमलेट ने इस्लाम मखाचो के साथ फाइट करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी कुछ दिन पहले, और इस बात को इस्लाम मखाचो ने भी नोटिस किया और रिप्लाई किया पैडी पिमलेट को कि भाई पहले कुछ जीतो, उसके बाद फ्यूचर में हम कभी फाइट कर सकते हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश में अभी पैडी पिमलेट लगे हुए हैं। इस्लाम मखाचेव से अपना नाम सुन के उस दिन के बाद से ही पैडी पिमलेट के दिमाग में ये आ गया है कि मैं बस चार्ल्स ओलिवेरा को एक बार हरा दूं, उसके बाद यूएफसी मुझे डायरेक्ट टाइटल शॉट दे देगी। मान लो चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ पैडी पिमलेट को चांस दे दिया, तो होना क्या है इस फाइट के अंदर? इस फाइट के अंदर आज के टाइम पर चार्ल्स ओलिवेरा पैडी पिमलेट को फिनिश करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। पूरे चांसेस ये हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा पैडी पिमलेट को आसानी से हरा देंगे। पैडी पिमलेट पूरी कोशिश करेंगे कि ये फाइट फिक्स हो जाए, और एक बार अगर खुदा ने खास्ता चार्ल्स ओलिवेरा को पैडी पिमलेट हरा देता है तो नेक्स्ट टाइटल शॉट मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि पैडी पिमलेट को डेना वाइट दे देंगे। तो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ अगर डेना वाइट ये फाइट फिक्स कर देते हैं तो यूएफसी का प्लान होगा पैडी पिमलेट को टॉप 5 के अंदर लाना, और जैसे ही वो टॉप 5 के अंदर आएंगे उनको टाइटल शॉट मिल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी ए बिगेस्ट मिस्टेक फॉर पैडी पिमलेट टू फाइट चार्ल्स ओलिवेरा एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पर चार्ल्स ओलिवेरा इज हंग्री, चार्ल्स ओलिवेरा इज मोटिवेटेड, चार्ल्स ओलिवेरा इज रेडी टू हंट, एंड चार्ल्स ओलिवेरा इज गोइंग टू रिक्लेम हिज थ्रोन। ये टारगेट लेकर वो अब रिंग के अंदर उतरने वाले हैं। तो ऐसे में पैडी पिमलेट उनको अगर मिल जाएगा तो चटनी बना देंगे पैडी पिमलेट की चार्ल्स ओलिवेरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखिए।